ये स्टारबक्स की कॉफी और डोली की चाय दोनों ही लीगल ड्रग्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टारबक्स ने कॉफी को थोड़ी सी इज्जत देके इसको ओल्ड मोम का दर्जा दे दिया है। और ये हमारी चाय, ये आज से 10 साल पहले 10 रुपए में मिलती थी और आज की डेट में भी 10 ही रुपए में मिलती है। इसको बेचने वाले को बिजनेसमैन मत बोलना, आप पर्सनल मजदूर बोलो। और अभी पिछली लाइन के अंदर मैंने वो सबसे बड़ी गलती करी है जो हमारे देश का ऑलमोस्ट हर आदमी कर रहा है, कि चाय को कॉफी से कंपेयर कर रहा है। और जो लोग कॉफी को कैफीन के लिए पीते हैं वो लोग कॉफी ही पियेंगे, उनको चाय नहीं पसंद है। जो भी लोग आज की डेट में चाय से कॉफी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग कैफीन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारा स्टारबक्स इस साल लिटरली 1300 करोड़ की कॉफी बेच देगा, जिसके अंदर से 75% सेल सिर्फ कोल्ड कॉफी की जा रही है। और आजकल के जेंजी बच्चे कोल्ड कॉफी को इसलिए पी रहे हैं क्योंकि उन लोगों को शुगर पसंद है, उन लोगों को इसका टेस्ट पसंद है। वो लोग अगर मैकडोनल्ड्स में भी जाते हैं तो बर्गर के साथ कोक ना ऑर्डर करके साथ में कोल्ड कॉफी को ऑर्डर कर लेते हैं। उन्होंने कोक का अल्टरनेटिव को कोल्ड कॉफी बना दी है। एक्चुअल में स्टारबक्स जैसी कंपनी चाय से कॉम्पीट कर भी नहीं रही है, क्योंकि वो मार्केट इतना फुद्दू मार्केट है जिसके अंदर कोई घुसना ही नहीं चाहता है। और एक्चुअल में स्टारबक्स जैसी कंपनी शुगर लाइन के अंदर एक्सपेंड कर रही है और इनका रियल कंपटीशन कोका कोला है, ना कि चाय। चाय जैसे मार्केट को तो स्टारबक्स जैसी कंपनियां देख के भी राजी नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस में इतना माड़ा हाल कर रखा है ना। और ये कोका कोला की मार्केट को टारगेट करने का रियल प्लान स्टारबक्स का नहीं था बल्कि टाटा का था, क्योंकि टाटा के हाथ में इस टाइम पे दोनों हाथ में लड्डू है। ये जो भी स्टारबक्स कंपनी इंडिया के अंदर चल रही है ना, ये ग्लोबल कंपनी नहीं है। इंडिया के अंदर एक अलग से कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम स्टारबक्स ही रखा था, पर इसके अंदर 50-50% की शेयर होल्डिंग है। 50% शेयर इसके अंदर से टाटा के और 50% शेयर ही इसके अंदर स्टारबक्स का भी है। और जब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे टाटा ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था कि भैया इंडिया के अंदर जितनी भी कॉफी बनाई जाएगी ना, सबके अंदर हमारे टाटा के बीन्स यूज होंगे। मतलब तुम इंडियन स्टारबक्स में कहीं पे भी कॉफी पी लो, वो जो कॉफी को उगाया जाता है वो टाटा ही उगा के आगे बेचता है, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाता। और टाटा ने ये चीज इसलिए की थी क्योंकि वो लोग कॉफी बेच के भी धंधा करना चाहते थे और कॉफी बीन्स बेच के भी धंधा करना चाहते थे। और इसी चीज को देखते हुए ना, स्टारबक्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया था कि भैया हम लोग साथ में धंधा तो शुरू कर रहे हैं, पर आप लोग सोलो धंधा कर नहीं पाओगे। मतलब हम दोनों मिलके कॉफी चेन शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग खुद का कभी भी कॉफी स्टोर टाटा के नाम से लॉन्च नहीं कर सकते हो। तो अगर कल को कॉफी का धंधा बहुत ज्यादा बढ़ गया और आप लोगों ने कॉफी बेचना सीख भी लिया और आप लोगों ने टाटा के नाम से स्टोर बनाने शुरू कर दिए, तो स्टारबक्स का धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो इन्होंने टाटा कंपनी से साइन करवा लिया था कि भैया अपने खुद के स्टोर खोलने नहीं देंगे। बट टाटा कंपनी इसमें भी चंट निकली, उन्होंने बोला कि भैया खुद का स्टोर खोल के कॉफी नहीं बेचनी ना, तो एक काम करते हैं, कॉफी को पैक करके दूसरों की दुकानों में बेच देते हैं। तो टाटा गोल्ड नाम से खुद की बेवरेज निकाल दी। मतलब पहले टाटा बीन्स बेच के कमाएगा, उसके बाद जैसे ही स्टारबक्स बेचा जाएगा तो इसके अंदर से 50% मार्जिन टाटा ले जाएगा। और इसके कॉम्पिटिशन के अंदर इसके लिटरली आधे प्राइस के ऊपर टाटा ने इसी का कॉम्पिटिशन निकाल दिया सेम बीन्स यूज करके, और उसके अंदर 100% मार्जिन इनका है। और ये कॉफी और चाय के बिजनेस में सबसे बड़ा मिथ पता है क्या? लोगों को लगता है कि भैया कॉफी महंगी बहुत होती है इसलिए उसको महंगा बेचा बहुत जाता है। अरे 2 रुपए में सेशन मिल जाता है भाई। तुम लोग आज की डेट में भी किसी भी टपरी से कॉफी लेने चले जाओ, 15-20 रुपए के अंदर एक कप आराम से मिल जाएगा। और उसका प्राइस 15 रुपए पता है क्यों है? क्योंकि कॉफी के अंदर ना ज्यादा पानी नहीं डाला जाता। चाय के अंदर आधा पानी और आधा दूध डाला जाता है और कॉफी के अंदर मैक्सिमम दूध डाला जाता है। तो कॉफी को महंगा बेचने का एक रीजन है कि उसके अंदर दूध थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, पर 5-7 रुपए का फर्क आना चाहिए। बट कुछ कंपनीज ने आके एक्चुअल में इस फर्क को तोड़ना शुरू किया और इसके ऊपर धंधा बनाना शुरू किया। चाय वालों की तरह मजदूरी नहीं करे, कॉफी के ऊपर ना रेवोल्यूशन बहुत हुआ है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसको अलग अलग तरह से बेचने की कोशिश बहुत की गई है। जैसे ये वाला कप तुम्हें ठेली से 15 रुपए का मिल जाएगा, ये वाली बोतल 30 रुपए की मिल जाएगी, ये कैन 35 रुपए का मिल जाएगा, ये 40 का, ये 50 का, ये 60 का, ये बोतल मिल जाएगी तुम्हें 100 रुपए की, ये वाली बोतल मिल जाएगी तुम्हें 120 रुपए की, ये वाली दोनों बोतल मिल जाएगी तुम्हें 125 रुपए की, और इन सबका बाप एंड में आएगा तुम्हें 310 रुपए का। जलवा है हमारा। ये सारी की सारी कॉफीज है जो मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है, और सच बताऊं तो ये मार्केट का 10% भी नहीं है। ये सारी की सारी सिर्फ कोल्ड कॉफी है जिसको अलग अलग प्राइजेस में बेचा जाता है, अलग अलग बोटल्स के हिसाब से या फिर प्रीमियमनेस के हिसाब से, सिर्फ धंधा बनाने के लिए। और चाय वालों ने क्या इनोवेशन करी है? लिटरली कुछ भी नहीं भैया। अपना पेपर का गिलास ले लो, कांच का गिलास ले लो, या फिर हमारी नई इनोवेशन कुल्लड़ ले लो, वाओ। तुम लोग सोचो साला, उसके अंदर धंधा बनाया जा रहा है जो इंडिया को पसंद भी नहीं था। मैक्सिमम इंडिया के अंदर चाय पसंद की जाती है और कॉफी एक एक्वायर्ड टेस्ट है, या फिर फिल्टर कॉफी या फिर इंस्टेंट कॉफी बेची भी जा रही है, तो उनका बहुत क्लियर एजेंडा है कि आप लोग बार बार इसको टेस्ट करोगे तो आपको पसंद आएगी। बट अगर आप पहली बार कॉफी को टेस्ट करोगे ना, तो आपको अजीब सी कड़वी सी लगेगी, क्योंकि उसको एक्वायर्ड टेस्ट बोलते हैं। जैसे अगर तुम लोग पहली बार रेड बुल पियोगे ना, तुम्हें लगेगा यार क्या गंदा सा कफ सिरप है, पर अगर तुम लोग रेगुलरली पीते रहोगे ना, तुम्हें लगेगा यार अच्छा ही तो है। कुछ खाने के टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप कॉन्स्टेंटली जब खाते रहते हैं तो आपको उनकी आदत पड़ जाती है, और उन सबको एक्वायर्ड टेस्ट बोलते हैं, और इन चीजों के अंदर हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है। तो कॉफी मार्केट ने इंडिया के अंदर एंट्री करके धंधा बनाने के लिए 3 तरीके यूज करे, और उसके अंदर से सबसे पहला और सबसे बड़ा है इंस्टेंट कॉफी।
इसे तुम लोग 2-2 रुपए के नेस्ले के सैशे ले आते हो ना, ये एक्चुअल में रियल कॉफी नहीं होती है। रियल कॉफी के बीन्स होते हैं जिसको क्रश करके उसके अंदर से फ्लेवर्स को एक्सट्रैक्ट करके पानी में निकाल लिया जाता है, और उस पानी को हवा में उड़ा दिया जाता है, और पीछे जो पाउडर बच जाता है फ्लेवर का उसी को पैक करके इंस्टेंट कॉफी के नाम पे बेच दिया जाता है। ये जो इंस्टेंट कॉफी होती है ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड होती है, तो इसके अंदर से जो इसकी रियल टेस्ट होती है वो टेस्ट लूज हो जाता है। और ये जो फ्रेशली ब्रूड कॉफी होती है ना, इसका और इंस्टेंट कॉफी का टेस्ट काफी ज्यादा अलग होता है। और ये जो ब्रूड कॉफी होती है इसको ऐसे बनाया जाता है कि सबसे पहले बीन्स को रोस्ट करके रख लिया जाता है, उसके बाद उन बीन्स के पाउडर के अंदर स्टीम को डाला जाता है जिससे लिक्विड के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए, और वो स्टीम जाके पानी बन जाती है, और सारे के सारे फ्लेवर्स को किसी कप के अंदर निकाल लेते हैं जिसको हम एस्प्रेसो शॉट बोलते हैं। ये सेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तुम लोगों ने पानी के अंदर चाय पत्ती फेंक दी और उसको उबालने के लिए छोड़ दिया, तो वो पानी का रंग काला हो जाता है क्योंकि जो भी चाय का फ्लेवर है वो सारा का सारा पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। तो जैसे ही कॉफी का फ्लेवर पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसको एस्प्रेसो शॉट बोलते हैं। और ये चीज सुनकर हैरान मत होना कि भैया इसका अलग से नाम रखा हुआ है, इसके 3 स्टेजेस भी रखे हुए हैं। जब इसको किसी कप में डाल दिया जाता है तो ये 3 चीजों में सेटल होता है। सबसे नीचे वाले को बोला जाता है हार्ट, मिड वाले को बोला जाता है बॉडी, और तीसरे वाले टॉप को बोला जाता है फोम। अब इन नेम्स को इन्वेंट किसने किया ये तो नहीं पता, बस आप लोगों को ये चीज बताई जाती है कि देखो ये 3 फॉर्मेट के अंदर आता है क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज मिले, और आपको जिन चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है ना आप उनकी ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर देती हो। तो आप लोगों से अगर 10 रुपए की चीज के 200 रुपए लेनी है तो आपको ज्यादा बताया जाएगा। आप लोग स्टारबक्स में चले जाओ, आपको ना कॉफी की स्मेल आ रही होगी, अलग अलग बीन्स की ना फोटो लगी होगी, अलग अलग बीन्स के सैंपल लगे होंगे, अलग अलग टाइप के कप्स रखे होंगे, अलग अलग टाइप का कॉफी का एनवायरनमेंट बना रखा होगा। ये लोग चाहते हैं कि आपको जितना ज्यादा एजुकेट कर सके उतना ज्यादा एजुकेट कर पाए। और जब भी आप लोगों को एजुकेशन दी जाती है और वो भी प्रीमियम बिलबोर्ड के ऊपर, तो आपके माइंड में ब्रांड लॉयल्टी बैठ जाती है, आपके माइंड में एक इमेज बैठ जाती है। अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि भैया एक बार कॉफी को सिर्फ इमेजिन करो तो आप लोगों के माइंड में ना कोई प्रीमियम चीज आ जाएगी, और दूसरी तरफ मैं बोलूं कि भैया तुम लोग चाय को इमेजिन करो तो क्या आता है, या तो चाय की टपरी के नाम पे ज्ञान पेलता हुआ एमबीए चाय वाला आ जाएगा, या फिर दूध की धार को चाटता हुआ डोली आ जाएगा। तुम लोग सोचो कि दोनों के इमेजिनरी ब्रांड एम्बेसडर्स है कौन। चाय को महंगा करके सिर्फ इसलिए नहीं बेचा जा रहा क्योंकि चाय को किसी ने महंगा करके बेचने का सोचा ही नहीं। आज से 10 साल पहले ना इतने बड़े बड़े गिलास के अंदर 10-10 रुपए की चाय आती थी, और आती आज भी 10 रुपए की है, पर उसकी क्वांटिटी को 4 गुना कम कर दी है। हर गली के नुक्कर पे सेम टपरी लेके 4 चाय वाले खुले हुए हैं, तो कंपटीशन इतना है तो आप लोग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, तो आप लोग एक लूप के अंदर फंसे हुए कि भैया 10 रुपए के अंदर खेलना पड़ेगा। और आपके खेल खेल के चक्कर में लोगों की चाय पीने की कैपेसिटी कम हो चुकी है, पहले भी वो 10 की पीते थे और आज की डेट में भी वो 10 की ही पीते हैं, पर पहले वो इतना बड़ा गिलास खींच जाते थे और आज की डेट में उनका इतने से में चल जा रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ कॉफी लेना चला जाऊं ना, मेरे को इतना बड़ा जग पकड़ा देंगे, मैं इससे इसके 50 गिलास भर दूंगा। तो कॉफी इसलिए महंगी नहीं है क्योंकि कॉफी महंगी है, कॉफी इसलिए महंगी क्योंकि हम लोग पी भी तो ज्यादा रहे हैं, इसको तो इतना सा पी रहे हैं कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और ये लोग जो इतनी क्वांटिटी बेच पा रहे हैं ना, ये लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तुम लोग सोचो कि स्टारबक्स के मेन्यू के अंदर कितने टाइप की कॉफी होगी। अगर तुम लोग इनका मेन्यू देखोगे तो लिटरली 45 तरह की कॉफी की वेराइटीज उनके मेन्यू के अंदर मिल जाएगी, और साथ में 13 तरह का फूड मिल जाएगा जो आप कॉफी के साथ बैठ के वहीं पे खा भी सकते हो। इनके पास 45 तरह की कॉफी इसीलिए क्योंकि लोग कॉफी को बेच भी रहे हैं, पर चाय वाले चाय के नाम पे चाय थोड़ी बेच रहे हैं। मैं तुम लोगों को इसका मेन्यू दिखा देता हूँ। इनका नाम है चाय सुट्टा बार, और इनके पास सिर्फ 9 तरह की चाय मिलती है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा यार 9 तरह की चाय तो बहुत ज्यादा होती है, पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टी और आइस टी मिलती है। ग्रीन टी, पर्पल टी, लेमन टी, कितनी तरह की टी एग्जिस्ट करती है जो ये लोग बेचते ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये लोग चाय का धंधा नहीं चला रहे, ये लोग चाय के नाम पे धंधा चला रहे हैं। इनके नाम में चाय, और इनके पास 9 तरह की चाय और 12 तरह की कॉफी मिलती है। 8 तरह के इनके पास डिफरेंट शेक्स मिल जाएंगे, 34 तरह का फास्ट फूड मिल जाएगा। अरे भैया कैफे खोल रखे चाय के नाम पे। आप लोगों को मस्त एसी के अंदर बैठ के कंफर्टेबल सोफे पे चाय पिलाई जाएगी, और उसके पैसे पता कितने लेंगे, 15 रुपए। ये 15 रुपए की चाय सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए चला, ये लोग कैफे ही रहे हैं। इस दुनिया के अंदर 25 से ज्यादा तरह की चाय एग्जिस्ट करती है। जो कॉफी बीन्स होते हैं ना वो हर जगह सेम होते हैं, बस क्वालिटी डिफरेंट होती है। कॉफी की बीन्स को डिफरेंट तरह से बना के बेचा जाता है क्योंकि डिफरेंट तरह से प्राइस चार्ज किया जाए और धंधा बनाया जा सके। कॉफी से सबसे बेसिक बनती है कोल्ड कॉफी या फिर फिल्टर कॉफी। उसके बाद जो एस्प्रेसो शॉट जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे, उसको लेके तुम लोग फोम वाले मिल्क के अंदर डाल दो तो वो कैपेचिनो बन जाएगा, और उसी कॉफी के ऊपर थोड़ी सी मिल्क फोम को ऐड कर दूं तो वो लाटे बन जाएगा, और अगर मैं दूध ऐड ना करूं और सिर्फ पानी ऐड कर दूं तो अमेरिकानो बन जाएगा, थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर दूं तो मोचा बन जाएगा, और अगर उसी कॉफी को ठंडा कर दूं तो कोल्ड कॉफी बन जाएगी, उसके ऊपर थोड़ी व्हिप क्रीम डाल दूंगा तो फ्रैपेचिनो बन जाएगा। कॉफी के अंदर इतनी सारी वैरायटी सिर्फ बनाने के तरीके से तय हो रही है। ये कॉफी के शौकीन लोगों की अलग से एक दुनिया है, इनके नाम जानने के लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा। और ये जो सारे नाम मैंने गिनवाए हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ ब्रूड कॉफी की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट कॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही फ्लेवर्ड कॉफी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने फ्लेवर्स तक लॉन्च कर रखे हैं। कॉफी को महंगा बेचने का एक रीजन दिया जाता है कि उसकी बीन्स की जो कॉस्ट होती है
होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। और वही ये सारी चीजें अगर हम लोग चाय के अंदर ढूंढने निकल जाए ना, तो किसी ने कोई खास इनोवेशन कर नहीं रखी है। ये पीछे दो तीन कंपनियों ने आके चॉकलेट चाय को इंट्रोड्यूस किया था, और इतनी वाहियात है ना भाई, पीते ही मुंह से थूक निकल आती है। वही अपनी पुरानी मसाला चाय बेस्ट है, जिसको मैं कहीं भी जाके खरीद सकता हूँ, पर इनोवेशन नहीं है ना। मैं आइस टी आज की डेट में इजिली परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग चाय के नाम पे धंधा कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बल्कि अगर तुम लोग ग्राउंड रियलिटी को समझो ना, चाय तो साला इस देश के अंदर इमोशन है, उसके ऊपर धंधा बनाना इतना आसान होना चाहिए इतना। पर जो भी इस देश के अंदर चाय का फेस बना ना, उसने गंदी मचाया है। पहले हमारे डिग्री वाले भाई साहब आ गए थे, जिन्होंने सिर्फ चाय के नाम पे उसकी फ्रेंचाइजी बेची है 50-50 लाख की, इतना तो धंधा ही नहीं होता भाई। और दूसरे हमारे डोली भाई आ चुके हैं, चाय के दूध को चाट चाट के दिखाते हैं। अरे भैया, चाय को कभी प्रीमियम करके बेचा ही नहीं गया, और अगर बेचा भी जा रहा था तुम लोगों को पता नहीं है। एक कंपनी है चायोस नाम से, जो 220 रुपए की चाय बेचती है, और कभी जाके एक बार पी के देखो, मजा आ जाता है। 220 रुपए के अंदर इतना बड़ा कप देंगे चाय का, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं है छोटी सी टपरी के अंदर पकड़ा देंगे, जिसकी औकात भी नहीं दिखती कि भैया 20 रुपए से ज्यादा दिए भी जा सके। पर साला प्रॉब्लम ये चीज है कि वो लोग फेमस नहीं है। आज की डेट में अगर कोई भी बंदा अपनी बंदी के साथ डेट पे जाना चाहता है और उसको चाय पीना पसंद है, कॉफी नहीं पसंद, तो उसके पास कोई ऐसा कंफर्टेबल प्लेस नहीं है जिसके अंदर जाके वो अपनी बंदी को बिठा सके कि आओ मैडम यहाँ बैठो यहाँ पियेंगे। कोई किसी लड़की को बोलता रहे कि यार मेरे साथ चाय की डेट पे चलोगी, उसको लगता है कि टपरी पे लेके जाएगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि चाय सस्ती है, इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को देख के चाय बनाने वाले बोले कि भैया कल से तो 60 की बेचेंगे। अरे भैया, उसके अंदर वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। ये जो स्टारबक्स वाले हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया इंडिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर 15 किलोमीटर के ऊपर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर हर 15 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो कॉफी का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉफी बनाने के लिए पानी भी यूज होता है। तो पूरे इंडिया के अंदर कॉफी का टेस्ट सेम रखने के लिए इन्होंने अपने किचन में सबसे बड़ी चीज पता है क्या ऐड करी है? फिल्टर। एक कॉफी चैन के अंदर सबसे ज्यादा एरिया जो एक्वायर करता है वो वाटर फिल्टर है। अगर कोई कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो वो ये भी ध्यान रख रही है कि भैया कॉफी का फिल्टर तक चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे ठेले वाले भैया से एक ही सवाल रह जाता है कि भैया नाले से तो नहीं भरा ना, एटलीस्ट टूटी से तो भर के लाए हो। तो जब भी आप लोग धंधे में किसी से 2 पैसे भी ज्यादा मांगते हो ना, तो आपको उसको रीजन देना पड़ता है कि भैया हम लोग बेच क्या रहे हैं। स्टारबक्स के एम्प्लॉइज को ना परफ्यूम लगाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि भैया ये जो कॉफी की स्मेल है ना, इसके ऊपर कोई और खुशबू आगे उसको डोमिनेट कर दे। वो चाहते हैं कि भैया कॉफी स्टोर में घुसे ना, तो आसपास सिर्फ कॉफी की स्मेल आनी चाहिए। पर हमारे ठेले वाले भैया गर्मी के अंदर बनियान में खड़े होकर बना रहे होते हैं, डर तो साला ये रह जाता कि कहीं हाथ से नमक चौके ना गिर जाए। और ये जो सारी चीजें खराब चल रही है ना, और इनोवेशन नहीं हो रही है, इसकी वजह से ना आने वाली जनरेशन सिर्फ कॉफी के ऊपर फोकस करेगी, वो लोग चाय के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। और हमारी जनरेशन बैठ के बातें बनाया करेगी कि भैया इन्होंने कभी चाय को टेस्ट ही नहीं किया, इनको चाय के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि चाय के ऊपर इनोवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो अगर तुम लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो चाय के अंदर थोड़ी इनोवेशन करो, इस कल्चर को थोड़ा आगे लेके जाओ। और अगर तुम लोगों की चाय की टपरी है, तो अपने नाम के आगे से अपनी डिग्री हटाओ।